तो गाइस मैं आ गया हूँ जिम में, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपने आप को एक तोहफा दिया, वो है 2.5 लाख का तोहफा। वो क्या तोहफा है बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम करते हैं वर्कआउट। बहुत मज़ा आएगा आपको जानकर, और आपको ये बताऊंगा कि मैं पैसे अपने कहाँ खर्च दूँगा। तो ना तो मुझे गाड़ियों का शौक़ है, ना घरों का, ना बैंक बैलेंस का, ना ज्वेलरी का, ना कपड़ों का, और ना ही फैंसी चश्मों का। मेरा सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है, जहाँ मैं सारी अपनी पूंजी लगा देता हूँ, जो भी है वो है मैं खुद। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी पैसों की होती है अपने पे करता हूँ गाइस, और मैं आपको बताता हूँ कैसे, बिकॉज ये मेरी लाइफ की फिलॉसफी मैं इतने सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ। आप ऑब्वियसली, मैं ये नहीं कह रहा आप गाड़ियाँ मत लो, ये मत करो, वो मत करो, मैं आपको बताऊँगा क्यों आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट गाड़ी कपड़े घर नहीं, आप खुद हो, और आज के वीडियो में आपको बताऊँगा क्यों। सो बट हम जिम में आ गए, चलो भाई हैं हमारे नूर भाई, आओ भाई क्या करें भाई, आज हम करेंगे लैट पुल डाउन, क्योंकि मेरे दिमाग में एक्सरसाइज चल रही है। आज हम करने वाले हैं बैक, और उसके साथ में करेंगे ट्राइसेप्स, और बैक आज कुछ डिफरेंट होगी, मतलब अब तक की सबसे डिफरेंट बैक करेंगे आज हम। तो वॉल्यूम विद मस्कुलर करने वाले बैक, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो, लेट्स स्टार्ट। हम कर रहे हैं पहली एक्सरसाइज बैक की, लैट पुल डाउन, बट आज कुछ डिफरेंट क्या है कि फर्स्ट जो सेट जो करेंगे हम वो होंगे 40-35 रैप्स, ठीक है, उसे आप वार्म अप सेट्स बोलेंगे, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन सेट भी 20-40 रैप्स के बीच में होगा, मतलब 20-40 रैप करेंगे वार्म अप सेट। फिर उसके बाद दो सेट्स करेंगे हम, वो होगा हैवी वेट ट्रेनिंग, वो उसको करेंगे हम हैवी वेट से, उसमें रैप्स होंगे हमारे मैंडेटरी 12-14। फिर लास्ट में एक फिनिशर सेट जो होगा वो देखने लायक है। ध्यान लगाओ, और शाबाश शाबाश, छोड़ना नहीं है, 6 रैप और आएंगे, 5, 4, 3, 2, 1 और, यस। सेट इस एक्सरसाइज का फिनिशर सिंगल आर्म लैट पुल डाउन, मैक्सिमम रैप, कम ऑन। एक्सरसाइज हमारी बार बार बेंट ओवर, ठीक है, पहले 2 सेट्स बेंड हो भाई, और 90 डिग्री बेंड, यस, स्टार्ट, 1, 2, 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओके, चलो करना, यार थोड़ा नीचे जाओगे थोड़ा, उसको रेंज को पकड़ो लैट्स की, और खींचो उसको पूरी जान से लोअर बैक टाइट करके, शाबाश। अब 8 रैप गिनो से, 1, 2, 3, 4, शाबाश, 5, 6, कम ऑन, 7, वन मोर, 8। अब हम आ गए अपनी इस एक्सरसाइज की फिनिशर एक्सरसाइज जो होगी लास्ट सेट, तो ये जो सेट था बैंड ओवर, आपको एक वेट से 2 अटेम्प्ट करने हैं, फिर उसके बाद वेट चेंज हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, बट रैप आपके 12 रहेंगे, और उसके भी आपके 2 ही सेट करने हैं, रेंज वही रहेगी, मतलब कहने का ये है कि आप उसी एफर्ट से 2 सेट करोगे, दूसरे में भी आपको ढीला नहीं पड़ना है। अब है इसका लास्ट सेट, लास्ट सेट में क्या होगा कि हम वेट कम करेंगे और रैप्स बढ़ाते चले जाएंगे, ड्रॉप सेट ही होता है, बट ट्रिपल ड्रॉप सेट नहीं है, ये नॉर्मल ड्रॉप सेट है, थोड़ा डिफरेंट है, देखो आप सीधे समझ आओगे, ठीक है, आ जाओ भाई, शाबाश, कम ऑन, प्रेशर ना भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, हाँ 6 नहीं है इस बार, आपने मारने 8 और 9 रैप, कमान, ना भी पिले ना भी पूरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Yes, yes, yes. Perfect. Good, good, good. 12 रेप. Okay. तो अब हमारी आ गई एक्सरसाइज नंबर 3 और 3 है ये सिटेड रोइंग विद चेस्ट सपोर्ट. हमारे पास में चेस्ट सपोर्ट मशीन और जिन पे नहीं है वो सिटिंग रोइंग भी कर सकते हैं. बट अब इस एक्सरसाइज को करना कैसे है, जैसे पहले भी मैंने बताया कि इनको इक्विपमेंट्स को यूज़ कैसे करते हैं. 3 सेट्स में करना है. ड्रॉप सेट में 10 रैप्स, 2 से 3 प्लेटें कम करेंगे, फिर 10 रैप्स. बट जब लास्ट 3रा सेट होगा वो आपने स्लोली अटेम्प्ट करना है पूरा, मगर रैप्स 10 ही होंगे. 6 7 8 8 9 10 कम, 2 प्लेटें कम करो. ओके पकड़ो भाई. हाँ वही करो, पीछे रखो से. 1 2 3 4 5 6 खींचो इसको, जान लगा. 7 8 9 10 2 प्लेटें कम करो. ठीक है अब स्लोली, चलो पकड़ो भाई. स्लो रेंज, स्लो वापस स्लो बुला दिया और सुपर स्लो, स्लो एकदम स्लो 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 स्लो. 8 रैप और करना है ऐसे स्लो. गुड गुड गुड, पूरा आगे तक जाएंगे. यस कम ऑन, शाबाश. 5 और स्लो चलते रहो. 6 रैप काउंट नहीं करूँगा भाई मैं, 10 करने पड़ेंगे आपको. स्लो एकदम, चीटिंग नहीं. स्लो 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 स्लो. 7 3 और 3 और स्लो 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 स्लो. हाँ यस 2 और 1 और 1 30 रैप्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करने हैं और इसका होगा 1 सेट और ऐसे करने हैं आपको 3 से 4 सेट. मजा आ जाएगा. यस ये गुड, बहुत जबरदस्त. पूरा दोस्त. 4 5 6 7 8 9 10 10 ओके एकदम. यहाँ पे ये इस पर प्रेशर. हाँ ये स्लो स्लो नीचे लेके आओ इस कोनी को. हाँ ये परफेक्ट. स्लो 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 और स्लो जाएगा भाई ये बिल्कुल. स्लो 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 कंप्लीट स्लोली. अब हार्ड स्लो बिल्कुल स्लो लॉक. यस स्लो 4 रैप रह गए. कम ऑन स्लो गुड. 1 मोर. यस तो गाइस जैसे मैंने आपको कहा मैं लाइफ में कहीं भी किसी भी चीज़ पे पैसे नहीं खर्चता. एंड इज द रीज़न इट्स नॉट दैट आई कांट बट आई चूज़ नॉट टू बिकॉज जब मैं अपनी MBA कर रहा था बाहर से मेरे को एक चीज़ सिखाई गई थी जो मेरे दिमाग में बैठ गई विच वॉज कि लाइफ में कभी भी खर्चा करना ना सिर्फ 3 चीज़ों पे करना. 3 चीज़ों पे. नंबर 1 अपनी नई स्किल्स डेवलप करने में. कोई भी नई स्किल हो सकती है, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, ट्रेनिंग करना, कैसे भी कोर्स करना, कुछ भी कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, कुछ भी. यू हैव टू लर्न न्यू स्किल. तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीखता हूँ. जैसे आपको सुनकर हैरानगी होगी कि वीडियो भी एडिट्स मैं ही करता हूँ, शूट भी मेरी वाइफ ही करती है, सब कुछ बिकॉज वी वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे. राइट नंबर 1 इज स्किल. तो कुछ भी करना होना अपने पे खर्चना अपनी नई स्किल डेवलप करने में, तो वहाँ मेरा पैसा खर्च होता है. आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन ऑनलाइन कोर्सेज, नई चीज़ें सीखता हूँ. दूसरी चीज़ पर जिसमें मैं खर्चता हूँ वो है टूल्स. टूल्स मतलब आप जो भी काम करते हो वो काम आपका कैसे आसान हो सकता है टेक्नोलॉजी से या मशीन से. तो वो कुड बी अ लैपटॉप, कुड बी अ मशीन, कुड बी एनीथिंग. तो उस पर पैसा खर्चो जैसे आपका काम में आसानी हो. 3 घंटे का काम 2 घंटे में हो सके, 2 घंटे का काम 1 घंटे में हो सके. राइट और नंबर 3 अपनी बॉडी पे. तो मुझे नूर भाई ने बोल रखी है बात कि आपकी बॉडी जो है ना ऑडी है,
या जो भी आपकी लग्जरी कार समझ सकते हो, ट्रीट इट लाइक एन ऑडी। ये नहीं कि कुछ भी उसमें सस्ता वस्ता कुछ भी डाल लिया, कीप इट क्लीन। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की तरह उसको ट्रीट करो। पुट रियल फूड गुड फूड इनटू योर बॉडी, अच्छा खाओ। तो गाइस मैं सिर्फ और सिर्फ पैसा अपने ऊपर खर्चता हूँ, अपने ऊपर जो भी कमाता हूँ अपने ऊपर। ऑब्वियसली मेरी फैमिली का तो ऑब्वियसली टेक केयर देम, बट वो कुछ भी ले सकते हैं, बट मैं अपने पे। आपने देखा होगा, आप बोलते हो ना मुझे कि सर वही लोअर वही शूज़ वही वेस्ट सैंडो, क्यों? आई फाइंड अ वेस्ट ऑफ मनी मैन, टोटल वेस्ट ऑफ मनी। राधर मैंने कहा आई डू अ कोर्स, एन ऑनलाइन कोर्स फॉर मनी। तो मेरे लिए लाइफ में इट्स ऑल अबाउट डिवेलपिंग योर सेल्फ, सेल्फ डिवेलपमेंट। आप कैसे अपने आप को डिवेलप कर सकते हो? रोज़ ऐसे वर्कआउट होने वाला लंबा ले रहा हूँ, फ्रीक बहुत ही ज़बरदस्त फ्री वर्कआउट है, कोई क्रैश नहीं, कोई कुछ नहीं, टेस्ट भी अच्छा है। वर्कआउट के बीच में हम थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है, कोई आफ्टर टेस्ट नहीं, मज़ा आ जाता है। वर्कआउट भी लंबा खींच जाता है, वही तो चाहिए हमें इस टाइम, बिकॉज इसके बाद एक और बॉडी पार्ट होने वाला है। बट मैं लूँगा, इसका लिंक डाल रहा हूँ अमेज़ॉन का डिस्क्रिप्शन में, ट्राई कर लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वन आर्म डंबल रोइंग, ठीक है, जिसको आप जनरेटर भी बोलते हैं देसी भाषा में। इसमें क्या है, अच्छा इसका एक रेप, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सबको काम आएगी। ये जो है ना, जैसे आप यहाँ से उठा रहे हो यहीं पर लेके आना होता है, बहुत से लड़के क्या करते हैं आगे लेके जाते हैं, वो गलत होता है। स्किन खींचने से मसल डेवलप नहीं होते, मसल टू मसल वर्कआउट करने से मसल डेवलप होता है। कि भाई हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब इसमें हम तीन सेट करने वाले हैं नॉन स्टॉप, कोई रेस्ट नहीं है सेट के बीच में। आप इस हाथ को कंप्लीट करोगे, राइट हैंड को कंप्लीट करोगे लेफ्ट में, लेफ्ट कंप्लीट करोगे राइट में, तो नॉन स्टॉप होगा ये। 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, तो इसमें हम करेंगे प्लस में डंबल पुल ओवर विद सिंगल आर्म लैट्स पुल डाउन। लैट्स होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए, और आपका जो वी शेप आती है ना, वी बड़ा सा जो लैट्स निकलते हैं पूरे खुल के, बोलूँ तो मतलब इन शॉर्टली वाइडनेस के लिए होती है, ब्रॉड बैक दिखाने के लिए, चौड़ा करने के लिए पीछे। गुड, ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है जो पर्टिकुलर पार्ट को टारगेट करता है आपके। अब इसके साथ में करेंगे हम डंबल पुल ओवर। पुल ओवर बेसिकली चेस्ट में यूज़ करते हैं, बट आज मैं बताता हूँ आपको इसको बैक में कैसे यूज़ करते हैं और कैसे आपके लैट्स एक्टिवेट होते हैं पुल ओवर करने से। भाई आ जाओ, हाँ थोड़ा पीछे, हाँ ठीक है। इसमें क्या करना होता है बैक के पुल ओवर के लिए, ये अब सीधा, हाँ ये ये आप अपने लैट्स को टारगेट करोगे, स्ट्रेट हैंड रखेंगे, सीधे बैंड होते ही वो स्ट्रेच नहीं होगा। यस, लैट्स को स्ट्रेच करना पूरी तरह। यस, स्ट्रेट है वो, सीधे उठा के हाथ। यस ओके। तो क्या जब आप ये पूछ रहे होगे यार ये हमें अपने आप पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों? तो मेरे पास ना ये फ़ोन है, आईफोन 11। आपने नोट करा होगा कि आपने भी नूर भाई नोट करा होगा कि आईफोन हर साल नया आता है, क्या ज़रूरत है? और हर महीने आपके आईफोन के आईओएस में अपडेट आ जाता है, अपडेट योर आईफोन आता है नहीं आता भाई? फ़ोन है उन्हें क्या ज़रूरत है, एक बारी बना दिया तो क्यों उनको हर साल फ़ोन को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत है? बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदल रही है कि आपको वक्त के साथ चलना पड़ेगा। उसके पास एक्स्ट्रा 20 साल हैं अपने आप को अपडेटेड नॉलेज के, तो उससे 20 साल आगे हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि ठीक है यार अब जो कर रहा हूँ लाइफ चल रही है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते गाइस, और ये आपको किसी के लिए नहीं करना, ये आपको अपने लिए करना। अगर आप कॉलेज में हो पढ़ते रहो, कॉलेज पास आउट कर लिया आपने पढ़ते रहो कुछ भी। आजकल तो इंटरनेट से कहते ना आप, वो इलॉन मस्क कहते हैं, इलॉन मस्क जो टेस्ला जिन्होंने बनाया है वर्ल्ड के, आई थिंक इज़ वन ऑफ द बिलियनर है इस टाइम, नंबर वन है मेरे ख्याल से। वो कहते हैं आजकल के टाइम में ना कोई भी नई स्किल आप 3 महीने में सीख सकते हो,
यूट्यूब से, कुछ भी हो, चाहे वो कोडिंग हो इंटरनेट में, लैंग्वेज डेवलप हो, या आपको गाड़ी चलाना हो, या आपको रॉकेट चलाना हो, वो उन्होंने रॉकेट बनाना सीख लिया था बिना फॉर्मल एजुकेशन के, किताबें पढ़ पढ़ के। सोच सकते हो आप? तो लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं, बट आपको अपने आप को अपडेटेड रखना होगा। आपको पढ़ते रहें, और पढ़ने का मतलब यही नहीं कि किताबें पढ़ो, आजकल तो फ़ोन में इतनी ऐप्स हैं, गूगल है, पढ़ते रहो यार, पढ़ते रहो, नई नई चीज़ें अपडेटेड रखो। और हाँ, इसके कई फ़ायदे भी हैं। अगर आप 23-24 साल के हो ना, गर्ल्स लाइक इंटेलिजेंट मैन, पता है, बिकॉज एक गुड लुकिंग लड़का जिसकी अच्छी बॉडी हो उसकी कोई वेटेज नहीं है, लेकिन एक एवरेज लड़का एवरेज बॉडी के साथ विद अ ग्रेट इंटेलिजेंस लेवल काम कर जाता है भाई। एक दिन मुझे मेरे मेंटोर मिले, टीचर थे मेरे स्कूल के, मुझे बोले, उन्होंने मुझे देख लिया लड़की को देखते हुए, वो तो मेरे पास आए, कहते डू यू लाइक हर, मैं शर्मा गया, मेरे कहते डू लाइक हर, आई सेड यस सर, तो गो आफ्टर, क्यों सर, कह रहे जिस को आफ्टर कर रहे, बोलना उसको जो तू कहना चाह रहा है। मैंने कहा सर क्या बात करो, मना कर देंगे। कह रहे सो वॉट? मैंने कहा सर मना कर देंगे। फिर कह रहा उसके साथ भी तो एक लड़की बैठी हुई है ना। मैंने कहा वो तो मना नहीं करेगी। मैंने कहा मतलब? कह रहे भाई बहुत है लड़कियाँ, तू जाने वाला बन, एक ना एक तो हाँ बोलेगी भाई और जब तू ना सुनेगा ना ज़्यादा, तो तेरे को ना की आदत पड़ जाएगी, और जिस आदमी को ना की आदत पड़ जाती है, फिर जब उसको हाँ सुनने को मिलता है ना, बड़ा खुश होता है। बात समझ आ गई। फिर मैंने सेल्स की जॉब करी। अब आप सेल्स पे आता है आपके यहाँ, उसको तो ना की आदत है ना कि भाई सामान लो सामान लो सामान लो, आप मना करोगे। अब मेरे को तो आदत पड़ी हुई थी ना की, आई न्यू इट कि लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, लेकिन धीरे 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 मैंने अपने रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस में बदला। मुझे ना की आदत थी ना, डर तो था नहीं, तो मुझे नथिंग टू फियर ना, लाइफ बहुत आसान होती है। तो इसीलिए तब आपको सिर्फ एक ही चीज़ हेल्प करती है, इंटेलिजेंस, लुक्स नहीं, बॉडी नहीं, इंटेलिजेंस। इसीलिए अपने आप को अपडेट करते रहो, नॉलेज एक्वायर करते रहो इंटरनेट से, हर जगह, वो कहते हैं ना 3 डेज में हर जगह से ज्ञान बट रहा है, बटोर लो। अब हमारी बैक की एक्सरसाइज खत्म, अब हम उसके साथ करें ट्राइसेप, और फर्स्ट एक्सरसाइज पुली पुश डाउन, इसके 4 सेट्स करने हैं, और हर सेट में 25 रैप्स। ट्राइसेप देखो भाई का, यस, ये जो मैं भाई को बांध रहा हूँ इसलिए कि ताकि जॉइंट में जो पेन हो रहा है वो ना हो इनके यहाँ पे एल्बो में, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते हो तो बहुत बार लिगामेंट टेंडन आपके बहुत डैमेजेस हो जाते हैं, तो आप सोच रहे हो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बांधा, ये जॉइंट्स पे नहीं बनता है, हमेशा बैंड यहाँ बनता है, इससे इसको सपोर्ट मिलेगी, जो प्रेशर आ रहा है वो इससे टकरा के वापस बैक जाएगा। तो गाइस, वो कौन सी है चीज़ 2.5 लाख की जो मैंने ली है? वर्कआउट ख़त्म हो जाओ, वर्कआउट ख़त्म हो जाए, घर पे चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, पहले कभी नहीं दिखाया मैंने। आई शो यू एवरीथिंग कि मैं कैसे अपने आप को अपडेटेड रखता हूँ, और क्या क्या टूल्स है मेरे पास, पहले नहीं देखा होगा, दिखाऊंगा आज। सो गाइस, जिम हो गया ख़त्म, नाउ वी आर इन माई ऑफिस, जो मेरे घर में है, सारा काम मैं यहीं से करता हूँ, एंड जैसे मैंने आपको कहा, सो आई ओनली इन्वेस्ट इन माई सेल्फ या मेरे टूल्स में। और जब मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने 2.5 लाख का भी क्या लिया, मैंने 2.5 लाख का लिया ये मैक टॉप ऑफ द लाइन लैपटॉप। गाइस, इससे फास्ट लैपटॉप अभी तक नहीं है। तो मेरा, आपको पता है, जैसे यू नो आई प्रेफर टेक्नोलॉजी बिकॉज ये मुझे हेल्प करती है चीज़ें टू एडिट माई वीडियोज़, टू डू व्हाट आई वांट टू डू ऑन द गो। सो मेरे पास ये पुराना था, ये भी मैक था, बट मेरे को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें, सो दिस आई डिड इट फॉर अबाउट 3 इयर्स, 3-3.5 साल। उसके बाद आई अपडेट टू दिस, आई यूजली हैव माई आईपैड जिससे मैं पढ़ता बहुत हूँ, ये मेरा विंडोज़ का सिस्टम है, ये भी मेरा बहुत हाई एंड सिस्टम है, इट कॉस्ट मी अबाउट 1.7 लाख्स, जिसमें मेरा यू नो आई डू लॉट ऑफ एडिट्स ऑन माई विंडोज़ ऑल्सो नाउ, जस्ट इन केस मैक नाउ, बिकॉज आपको विंडोज़ और मैक दोनों आना ज़रूरी है। और ये मेरा 27 इंचज मैक है, जिसमें मेरा मोस्ट ऑफ माई वर्क हैपन्स बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो इसमें मेरा काफ़ी हद तक, जैसे कहते हैं ना, पूरी रात जाती है, जिसमें मैं काफ़ी एडिट करता हूँ, वट एवर आई एम थिंकिंग डूइंग वो सारा यहीं होता है, एवरी थिंग हैपन्स
अराउंड हियर गाइस। सो मैं हमेशा आपको ये बोलूँगा गाइस, तो मेरा शौक या अपने आप पे सिर्फ इन्वेस्ट करने का, नई नई चीज़ें सीखने का, सॉफ्टवेयर सीखने का, लेट मी टेल यू, मुझे फ़ोटोशॉप से लेके यू नेम इट, कोडिंग, हर चीज़ मैंने सीखी हुई है, बिकॉज़ मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता, बिकॉज़ ऑनलाइन कोर्सेज आप कर सकते हो कहीं से भी, यूडेमी से, कितने कोर्सेज अवेलेबल, यूट्यूब से सीख सकते हो। मैं हर चीज़ सीखता रहता हूँ, अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ। मैं आपको भी यही बोलूँगा गाइस, सो कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ कब काम आ जाए, फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू एडिटिंग टू फोटोग्राफी टू यू नो शूटिंग वीडियोज़ टू एडिटिंग वीडियोज़, हर चीज़ हम सब खुद करते हैं गाइस, बिकॉज चीज़ें आनी चाहिए एंड दिस इज़ अ पैशन एज वेल टू लर्न न्यू स्किल्स। तो गाइस, गाड़ियों से ज़्यादा मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आता है टू लर्न, बिकॉज मैं गाड़ियों का ही मानता हूँ, गाड़ी या हो या घर हो, गाड़ियों का स्पेशली कि जब आप गाड़ी ले लेते हो, जैसी गाड़ी शोरूम से आती है उसकी कीमत 2 से 3 लाख रुपए गिर जाती है, इट्स अ डिप्रिशिएटिंग एसेट की, विच मीन्स एवरी ईयर यू लूजिंग मनी ऑन इट। लेकिन अगर आप अपने पे इन्वेस्ट करते हो, कोर्स पे इन्वेस्ट करते हो, आपकी वैल्यू जितने आप नए कोर्सेज करोगे बढ़ती जाएगी, जितनी नई नई स्किल सीखोगे बढ़ती जाएगी। सो अपनी वैल्यू बढ़ाओ यार, टू लर्न न्यू थिंग्स। सो ये मैं करता हूँ, उसको दिखा देता हूँ नया सिस्टम, हाउ डज इट लुक। हाय, सो दिस इज टॉप ऑफ द लाइन, तो हर चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी गाइज, और ये कुछ भी एडिट कर सकता है, यू नो मैंने इसमें सब कुछ डाल रखे हैं, सारे सॉफ्टवेयर, इट कैन बिगिन एडिट एनी थिंग यू नेम इट एंड इट कैन डू इट। देख रहे हैं आप, ये देखिए, आई मीन दिस इज समथिंग दैट आई लव। ये देखिए, सो इट गिव यू एवरी थिंग गाइज, और सारा डिस्प्ले इसका टच है, आप इसमें कुछ भी, इसे कहते हैं ना, एवरी थिंग इज अराउंड दैट, और इसकी प्रोसेसिंग से लेके हर चीज़ इज एक्सट्रीमली फास्ट। तो 8 कोर इंटेल i9 है इसका गाइज, दिस इज i9 एंड 16 GB मेमोरी, इसे कहते हैं ना 1 TB हार्ड, इस मतलब दिस इज हाई एंड, टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द लाइन, बिकॉज मेरा काम ऐसा होता है, बिकॉज मैं स्लो चीज़ें ना स्लोज मी डाउन, सो दिस इज़ समथिंग दैट आई यूजली इन्वेस्ट इन। बैटरी लाइफ भी इसकी करीब 6 से 7 घंटे, सो इट कैन लास्ट इज़ वेल। सो गाइस, मैं हमेशा ही बोलूँगा, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, इन्वेस्ट ऑन योर टूल्स, बहुत आगे लेके जाएंगी ये चीज़ें, और आपको मैं बताता रहूँगा ऐसे ऐसे कि मैं क्या करता हूँ इन माई डे टू डे लाइफ, आप देख रहे होंगे। अब मैं मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग।